सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्हें 4 अहम फैसले सुनाने हैं। इनमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद भी शामिल है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा रंजन गोगोई को और कौन कौन से फैसले सुनाने हैं, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे बता रहे हैं। 4 नवंबर और 15 नवंबर के बीच में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट से आने वाले हैं। दरअसल 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो हैं वो रिटायर कर रहे हैं, लेकिन 15 नवंबर आखिरी वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का उस हफ्ते के लिए। तो यानी कि इन 10 दिन के अंदर 4 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से आने वाले हैं। सबसे उनमें प्रमुख जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो ज़मीनी विवाद है उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। 5 जजेस ने सुनवाई की थी इस केस की। 130 साल से ज़्यादा ये केस जो है अन्य कोर्ट्स में रहा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लास्ट ऑर्डर था उसके तहत विवादित ज़मीन को एक तिहाई 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये ज़मीन दी गई थी, लेकिन तीनों पार्टियों ने चुनौती दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को। उन सबका कहना है कि ज़मीन उनको देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये देखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है, और ऑलरेडी हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सबको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना चाहिए और सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए। तो एक बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। साथ ही साथ रफाल डील को लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो उम्मीद है कि आएगा। दरअसल कई लोगों ने चुनौती दी थी सरकार के उस फैसले को, जिसके तहत 36 रफाल फाइटर जेट सरकार ने लिए थे, लेकिन काफ़ी अधिकतर दाम पे उनका कहना था कि ये सही नहीं था और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ दस्तावेज़ निकल के आए और उसके बलबूते पे इन लोगों ने कहा कि एक बार फिर रिव्यू होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सुनवाई को करके उस ऑर्डर को भी जो है सुरक्षित रखा है, उस पर भी जजमेंट आने की उम्मीद है। सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 सितंबर में कहा था कि जो बैन लगी थी महिलाओं पे 10 और 50 साल की बीच की उम्र की महिलाओं पे कि वो एंट्री नहीं कर सकते सबरीमाला श्राइन में, उस बैन को हटाया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला सबरीमाला में जा सकती है, लेकिन उसको चुनौती दी है 65 से ज़्यादा याचिकाओं ने। तो उन सब पे सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर भी सुरक्षित रखा है, तो उस पे भी ऑर्डर आने वाला है इस 10 दिन के दौरान। और आखिरी में जो आरटीआई को लेके कि क्या आरटीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर पे ऑफिस पे लागू है या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट ये भी है। सुभाष चंद्र अग्रवाल जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी ये याचिका है, तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फाइनल ऑर्डर देगी कि क्या आरटीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस पे भी लागू है। दरअसल 2005 में आरटीआई कानून बना था, जिसके तहत सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ बाध्य हैं आरटीआई के तहत हर नागरिक को जवाब देने के लिए। तो अगले 10 दिन में काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर आने की उम्मीद है, जिनमें से 4 हैं ये प्रमुख ऑर्डर हैं। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।